बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास बंदा आ गया, उसने कहा पुराना बुखार है, जाता कोई नहीं। बाबा साहब ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। फूंक मारी, बंदा कहता है बैठे बैठे मेरा बुखार उतर गया। उसने गांव जाके ऐलान कर दिया जिसका नहीं उतरता सारे आ जाओ। रश हो गया, फूकें बड़ी निकली, शिफा कोई नहीं। लोगों ने पकड़ के फेंटी लगाई, उन्होंने कहा इतनी इतनी दूर से आए हैं और तू अल्लाह के बंदे राम एक को भी नहीं आया। वो तो बाबा साहब के पास आ गया, कहने लगा सूरत इखलास दो हैं कि एक ही है? बाबा साहब कहने लगे बेटे एक ही है। हजरत जी आप फूक मारे तो बैठे बैठे बुखार उतर जाए, मैंने 100 दफा पढ़ी है, 100 फूके मारी है, एक का भी नहीं निकला, आप कोई और वाली पढ़ते? आप फरमाने लगे सूरत इखलास एक ही है पर मुंह भी तो फरीदुद्दीन का चाहिए ना, मुंह भी तो। फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, मैंने कभी गीबत नहीं की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी हराम नहीं खाया, मैंने कभी अपनी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखाया। फरमाया मैंने इस जुबान में ताकत पैदा की है, फिर जब कुरान का नूर आया है तो अल्लाह ने तासीर बना दी है, फिर अल्लाह ने असर पैदा कर दिया।